बारासिया संजय नगर के रहीशों द्वारा आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कचेरी में धरना करते हुए तंत्र विरोधी सूत्रोच्चार लगाए थे। पिछले 3 सालों से बेघर बनकर परेशानियां भुगत रहे वैसे संजय नगर के विस्थापितों द्वारा लगातार पिछले कई दिनों से आंदोलन छेड़ा गया है। कॉरपोरेशन द्वारा 1800 से भी अधिक लोगों के कच्चे पक्के मकान को 18 महीने के अंदर पक्के आवास देने के वचन के साथ तोड़ा गया था और साथ ही आवास बांधकाम तक हर महीने मकान का किराया देने का भी वचन दिया गया था, लेकिन पिछले 3 सालों से संजय नगर वसाद के खाली बने प्लॉट पर कोई भी बांधकाम नहीं किया गया और पिछले 5 से 6 महीनों से लगातार विस्थापित लोगों को कोई भी मकान का किराया भी नहीं दिया जा रहा, जिस कारण मकान किराए के बगैर वे लोग परेशानियां भुगत रहे हैं। पिछले कई दिनों से चलाए जा रहे विरोध आंदोलन के बीच के बाद आज संजय नगर के विस्थापितों द्वारा कलेक्टर कचेरी में धरना कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना वाले 12 लाख कीमत के 600 स्क्वायर फीट बांधकाम वाले मकानों की मांग की गई है। पीपीपी धोरण के 300 स्क्वायर फीट वाले मकान का स्वीकार करने से इनकार करते हुए आज विस्थापितों द्वारा कलेक्टर कचेरी में धरना पर बैठकर हल्ला बोल किया था, जिसमें संजय नगर झोपड़पट्टी की आंदोलन चला रही अग्रणी सीमाबेन राठौड़ ने कहा था कि इंदिरा गांधी द्वारा संजय नगर की 16 लाख स्क्वायर फीट जगह को लोगों को मुफ्त में दे दी गई है। भाजपा के शासकों ने रहीशों को मकान देने की लालच में जमीन को छीन कर बिल्डर को फायदा करवाया जा रहा है, वैसे गंभीर आरोप लगाते हुए रोष व्यक्त किया था। साथ ही गांधी जी की दांडी यात्रा की तरह वे लोग भी पैदल चलकर मुख्यमंत्री को मिलकर रजूआत करेंगे वैसी भी बात कही गई थी, जहां अपने हक और अधिकार को लेकर लड़त चला रहे वैसे लोगों ने तंत्र विरोधी सूत्रोच्चार लगाए थे। आज रजूआत ये कि जो वारसा संजय नगर जो झूपड़पट्टी है त्या आगे 300 फूट नु मकान बनावाना है ते अमे लोग स्वीकारवाना नहीं, कारण कि अमने 600 फूट नु मकान जोईए छे, मोटू मकान जोईए छे, लोकोना घर नी अंदर 5 थी वधारे जो सभ्य हशे तो 325 स्क्वायर फूट मकान में केवी रीतना मैनेज करशे, कारण कि अमे आंदोलन पर बैठा एटले आ लोगोए 5 महीना नु भाड़ू तात्कालिक चालू कराई दीधुं, लॉकडाउन नु भाड़ू चालू कराई, त्यार पछी आ लोगोए अंदर काम पण चालू कर्युं छे, पण देखावा पूरतुं 2 जीसीपी अने 5-6 पेला टेम्पाओ अंदर फरी रहा है, माटी अहींयाथी खोदी ने त्यां लई जई रहा है, तो तमे शुं साबित करवा मांगो छो कि तमे संजय नगर नुं काम चालू करी नाख्युं छे? संजय नगर नुं काम आवी रीतना चालू नहीं थाय, 2 जीसीपी थी संजय नगर नुं काम थवानुं नथी, कारण कि त्यां 2640 मकान बनवाना छे। अने बीजुं के जो संजय नगर तोड़वा माटे जो लगभग बुलडोजर 25 થી 30 આવતા હોય હું તો બનાવવા માટે બે જ ખાલી જીસીપી મોકલવાના। અને બીજું આ જે સંજયનગરની અંદર જે 16 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ જે જગ્યા છે તે અમારા લોકોની છે, સંજયનગરના સ્થાનિકોની છે, કોઈના બાપની નથી। એ જગ્યા છેલ્લા 60 વર્ષથી ઇન્દિરા ગાંધીએ અમને લોકોને મફતમાં આપી હતી, બીજેપી સરકારે અમારી પાસેથી છીનવી છે અને તેનો એક ટુકડો અમારા ભાગમાં નાખવામાં આવી રહ્યો છે, તે અમે સ્વીકાર નહીં કરીએ। અમને કમસે કમ 600 ફૂટનું મકાન જોઈએ છે અને સારું પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના જોઈએ છે, પીપીપી ધોરણ મોડેલ નથી જોઈતું। प्रधानमंत्री आवास योजना जे 12 लाख में वेचाय छे ने एवा घर जोईए छे अमने, जे आज सरकारी योजना ना मकान तमे बनाई रह्या छो, ज्यारे प्रधानमंत्री आवास योजना बनावा माटे 12 लाख नी अने आवी रीतना फ्री में आपवा माटे तमे 6 लाख वाला बनावो छो, तो आवु केम करी रह्या छो? जग्या ज अमारी छे। સંજય નગર વાળા માટે લોલીપોપ તો નહીં, પણ શું કે ઉલ્લુ બનાવવાના, ગરીબોને ઉલ્લુ બનાવવાના, કે આ ગરીબ છે ઉલ્લુ બનશે ને ઊંધો લટકી જશે, એમને એવું છે નહીં, હવે ગરીબ પર રાજા ઉલ્લુ નહીં બને, તમારા લોકોના જાસામાં નહીં આવે, જેટલા વર્ષ આવી ગઈ એટલા વર્ષ આવી ગઈ। સંજય નગરમાં પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના બનવી જોઈએ, પણ 12 લાખ વાળી બનવી જોઈએ, મોટા મકાન બનવા જોઈએ। તમે જે રીતના કહો છો એ રીતના મકાનો નહીં મળે તો પછી તમે શું કરો? નહીં, અમે ત્યાં આગળ કામ નહીં ચાલુ થયા પછી તો બધી પબ્લિક આંદોલન પર બેસશે, હજુ તો થોડી છે અને હમણાં લગભગ 3-4 દિવસની અંદર જ અમે લોકો ચાલતા, જે રીતના ગાંધીજી દાંડી યાત્રા યોજી હતી એવી રીતના અમે લોકો ચાલતા સીએમ ને મળવા માટે જઈશું કે સર અમારી 8 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ જગ્યા છે, ફ્રીમાં કોર્પોરેશને એકબીજાની સાઠગાંઠથી સગા સંબંધીના કહેવાથી આ જગ્યા બિલ્ડરને પધરાવી દીધી છે અને અમને ત્યાં આગળ પીપીપી ધોરણ મોડેલના જે મકાન આપે છે તે નથી જોઈતા, અમને તો નરેન્દ્ર મોદીનું જે નામ છે ને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાને જે 12 લાખનું એ ઘર જોઈએ છે।